छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी ने दबिश दी है। बिटकॉइन मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी के बाद सीबीआई की भी एंट्री इस मामले में हो चुकी है। रायपुर में कारोबारी गौरव मेहता के घर पर कार्रवाई की गई है। 6,600 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी घोटाले की जांच की जा रही है। तो हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी अब तक जब्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दे रायपुर से, जहां ईडी ने दबिश दी है। बिटकॉइन मामले में ईडी जांच में जुटी हुई है। बिटकॉइन मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है, जिसके बाद अब सीबीआई की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है। सीधे रुख करेंगे संवाददाता हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, ईडी ने दबिश देकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ईडी और सीबीआई दोनों ही इस मामले की जांच कर रही है। पहले ईडी ने व्यापक स्तर पर इसकी जांच की थी, उसके बाद सीबीआई की एंट्री हुई और सीबीआई भी कई तथ्यों पर को लेकर यहां पर जांच करती हुई नजर आ रही है। और कल भी जो देखा गया तो दिन भर ईडी की टीम गौरव मेहता के घर पर मौजूद रही और गौरव मेहता के घर पर उन्होंने कई तरह की तफ्तीश की। तफ्तीश में उन्होंने सीडी और पेन ड्राइव भी जो है वो जब्त किया है। एक हार्ड डिस्क को भी जब्त किया है, जिसपे ये माना जा रहा है कि बिटकॉइन के घोटाले से जुड़े हुए कई तथ्य उस पर शामिल है। कैसे घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन कौन शामिल है, ऐसे कई सवालों के जवाब जो हैं वो हार्ड डिस्क में मौजूद है, इसीलिए ईडी ने उसको जब्त कर लिया है। कुल 6,600 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र से भी जो है वहां पे भी दबिश दी गई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में दबिश दी गई और कई राज्यों में भी लगातार दबिश दी जा रही है और इस घोटाले की परतें खोली जा रही है। हालांकि देर रात के बाद ईडी टीम जो है वो वापस लौट गई है और आज जो है वो प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी सामने आ जाएगी कि क्या क्या उन्होंने जब्त किया और कैसे दिन भर की कल की कार्रवाई रही है। बिल्कुल, दिन भर की एक बड़ी कार्रवाई रही है। रोहित, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई को ईडी और सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया है।